कोई भी आदमी जो सक्सेसफुल हुआ है, क्या कोई और तरीका है कामयाब होने का? हमारे घर में मुझे बुलाया जाता था तो मेरी मामी जी आवाज लगाती थी, अरे संदीप इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ मामी जी क्या बोल रहे हो? और अपने साथ वालों को बोलते, अभी देखना देखना बोलेगा 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 देखो। अब सारे मेरी शक्ल देख रहे हैं, 10 लोग वहां पे खड़े कह रहे बेटे बता बता तू बड़े होके क्या बनेगा। शर्मा रहा हूं, बोलना बेटा बोल बोलना, शर्मा मत बोलना। टाटा बिरला बोला और भाग गया। फिर मेरे को बुलाती थी मामी जी और वो लोग जो भी होते थे बुलाते थे और आके मेरे को प्यार करते थे, आए आए कितना प्यारा बच्चा है, हाँ बेटा बनी हो तू जरूर बनी हो टाटा बिरला। अभी बड़ा होगा ना सब समझ आ जाएगा इसको। बच्चा है देखो, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से अगर कोई बोल दे बच्चा टाटा बिरला बनूंगा तो क्या होगा, मजाक ही उड़ेगा ना, क्योंकि हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और वही हुआ, सब मेरा मजाक उड़ाते थे, सब पूरी फैमिली में। उनको लगता था कि बच्चा है 6 साल का यार, इसको क्या समझ आना है कि मजाक उड़ रहा है नहीं उड़ रहा। गलत थे वो लोग। एक बच्चे को सब कुछ समझ आता है, उसको मजाक समझ नहीं आता लेकिन उसको यह समझ आ जाता है कि उसका मजाक उड़ रहा है। मुझे टाटा बिरला नहीं पता था क्या है, लेकिन मुझे यह पता था कि सब मेरा मजाक उड़ा रहे। और कौन है ये लोग? वो लोग जिन पर मैं भरोसा करता हूं, वो लोग जो मेरे अपने हैं। तो मेरे को लगा कि अगर ये सब बोल रहे हैं तो सही होगा ना, मैं तो एक बच्चा हूं मुझे क्या पता। अब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ऐसी और पता नहीं कितनी सारी चीजें हुई, कितनी सारी बातें हुई। तो 18 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते मेरे दिमाग में क्या बैठ गया, कहीं से 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए बहुत है। मुझे याद है जब मैं करीबन 18-19 साल का था तो मैं किसी के पास राय लेने गया था। हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जिनके पास सब जाते हैं राय लेने के लिए, आप सबकी भी फैमिली में कोई ना कोई होंगे ऐसे होते हैं। तो मैं गया पूरी तैयारी के साथ कि वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। उन्होंने 10 चीज़ें पूछी कि अच्छा ये जो तू बोल रहा है इसमें ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो। मैं पूरी तैयारी के साथ गया था, मैंने कहा ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा। जब उनके सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए तो उन्होंने कहा बेटे ये ना बड़ा इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है जो तू बोल रहा है, ये ना हो नहीं सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, मैंने कहा बताओ तो सही, वजह तो बताओ क्यों नहीं हो सकता। तो थोड़ा इरिटेट हो गया क्योंकि वो उस पोजीशन पे थे कि एक बच्चा जो कुछ भी नहीं है वो आकर के उनको बोल रहा है कि क्यों नहीं हो सकता, तो उनकी ईगो हर्ट हुई। और उन्होंने मेरे को बोला बेटा अभी तुझे पता नहीं है, तू बच्चा है, ये ना कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। कितने लोगों ने डायलॉग सुना है? सबने सुना है, और पता नहीं कितनी बार सुना है। कभी सोचा है कि इस सिंपल से डायलॉग का क्या असर होता है हमारे माइंड के ऊपर या हमारी उस लैंड के ऊपर जिसकी मैंने बात करी? ये जो मुश्किल वर्ड है ना, ये भी एक बीज है। जैसे एक सक्सेस के बीज की मैंने बात करी थी, एक फेलियर का बीज है। क्योंकि किसी भी चीज में आज आप बोलते रहो कि ये मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, कुछ टाइम बाद आप क्या बोलने लग जाओगे, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, मतलब दी एंड। तो ये जो मुश्किल वर्ड है ना, इसने क्या किया हुआ है, हम सब को पकड़ करके रखा हुआ है, एक रस्सी की तरह बांध करके रखा हुआ है। जैसे एक सर्कस में हाथी होता है ना, उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है जब वो छोटा सा होता है, तो वो हाथी का बच्चा जो होता है छोटा सा, वो क्या करता है, उस पतली सी रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, दम लगाता है दम लगाता है, बेचारा नहीं तोड़ पाता, उसमें इतनी ताकत नहीं होती, नहीं तोड़ पाता। तो उसके दिमाग में क्या बैठ जाता है कि मुश्किल है, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा नहीं तोड़ पाऊंगा। आज वो हाथी बड़ा हो गया, वो चाहे तो एक रस्सी को नहीं, उसमें इतनी ताकत है कि ऐसी 1000 रस्सियों को तोड़ सके, लेकिन वो कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर कोई धीरे से जाए और उस हाथी के कान में बोल दे कि अरे वो हाथी फिर में ताकत है, एक बार कोशिश करके तो देख तू तोड़ सकता है। कितनी देर लगेगी उस रस्सी को तोड़ने में, 1 साल 2 साल 10 साल? 1 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। यही होता है, जितने भी बिलीव्स जो किसी झूठ के ऊपर बेस्ड हैं उनको बनने में सदियां लगती हैं, टूटने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। अगर नहीं पता ना कि मैं क्या करूंगा, कई लोगों को ये कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं यार मुझे भी नहीं पता था, बस इतना सा होना चाहिए अपने ऊपर भरोसा कि मैं कुछ ना कुछ तो कर जाऊंगा, इतना ही बहुत है, मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर जाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लूंगा अपनी लाइफ के साथ में, इतना मुझे भरोसा है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, दुनिया मुझे कुछ भी बोलती रहे, ये संदीप महेश्वरी कुछ भी बोलता रहे, कोई भी कुछ भी बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ ना कुछ कर जाऊं, बहुत कर जाऊं, कोई नहीं रोक पाऊंगा, खुद भी नहीं रोक पाओगे अपने आप को यार, दिमाग भी नहीं रोक पाएगा। इसको बोलते हैं मोमेंटम। तो राइट नाउ आई एम इन दैट मोमेंटम स्टेज, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, चाहे वो कोई क्रिकेटर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई सिंगर है, चाहे कोई म्यूजिशियन है, एक बार मोमेंटम बन जाए, फॉर एग्जाम्पल एआर रहमान में और आप में क्या फर्क है,
उसकी स्पीड 200 की चल रही है, मुश्किलें उसके उसके भी सामने आती हैं, आपके सामने पत्थर आते हैं, उसके सामने तो दीवारें खड़ी हुई हैं, वो लेकिन तोड़ता हुआ निकल जाता है, मेरे सामने भी आती है मैं तोड़ता हुआ निकल जाता हूं, राइट। पर जो शुरुआत है वो करनी है, वो एक बार शुरुआत हो जाए ना, और शुरुआत में जैसे ही आपका दिमाग बार बार आकर के वो पत्थर सामने रखेगा, तब आकर के बड़े शांति से आपने अपने दिल की सुननी है, दिल से आगे निकलना है, दिल से आगे निकलना। ऐसा कोई भी आदमी जो सक्सेसफुल हुआ है, क्या कोई और तरीका है कामयाब होने का? बिना अपने पे भरोसे के, बिना विश्वास के क्या कोई कामयाब हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? क्या सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड लोग नहीं है क्या इंडिया में? नहीं है। उससे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले लोग नहीं है? उससे बेटर टेक्निक वाले लोग नहीं है? क्या फर्क है उसमें और बाकी सब में? वो मानता था कि मैं कर जाऊंगा, जहां दूसरी तरफ कोई बंदा अपने आप को देख करके बोलेगा, उसकी हाइट है 5'8" और देख करके बोलेगा यार मेरी हाइट 5'8" है और क्रिस गेल की सपोज 6.5 feet है, तो इसलिए मैं ऐसा छक्का नहीं मार सकता। तेंदुलकर कहेगा मेरी हाइट कम है इसलिए मैं मार सकता हूं, राइट। तो वो जो आदमी जो जिसको अपने ऊपर भरोसा है, जिसको अपने ऊपर विश्वास है, वो अपनी वीकनेसेस को भी स्ट्रेंथ बना करके आगे ले आएगा, और जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जिसको बिलीफ नहीं है, वो अपनी स्ट्रेंथ को भी वीकनेसेस बना देगा, वो अपनी स्ट्रेंथ को भी वीकनेसेस बना देगा।